हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग? तो 25th को हमारे पास ये 7 मैच है। कल से ही हमारा वुमेन्स का क्वालिफायर स्टार्ट हो रहा है, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। SRH RCB में हमारी टीम SRH रहेगी, ठीक है। टेबल बॉटम के हिसाब से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया किस किस टीम के साथ आपको रहना है, ठीक है। कल भी हम जो यूट्यूब की प्रेडिक्शन से हमारी लखनऊ वो भी विन कर गई, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। परसों का मैंने आपको बता दिया RCB के अगेंस्ट रहना है आपको, RR के साथ रहना है, जो मैंने बोला है मैक्सिमम मैचेस में वही होते हुए आपको मिलेगा और होता हुआ आ रहा है। लास्ट के 30 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ IPL से ऊपर, आप जाकर के एक एक वीडियो रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हो। 90% में अपनी टीम या तो विन हुई है या तो काम हुआ है, ठीक है। तो कल के दिन हमारी टीम SRH रहेगी, RCB से उम्मीद मेरे को नहीं है, सीधी सी बात। डॉल्फिन वॉरियर्स में सिंस वॉरियर ने काफी चेंजेस किया और लास्ट के कुछ मैच हार के भी आ रहे हैं, डॉल्फिन्स का ही मैं सोच रहा हूँ कि डॉल्फिन्स को ही विन करना चाहिए या तो कलर देना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मैंने पूरा प्रेडिक्शन आपको पहले भी समझा दिया किस हिसाब से न्यूजीलैंड विन कर सकती है, और वही हुआ लास्ट मैच में। इनके मिडल ऑर्डर के प्लेयर चैपमैन ने लास्ट ईयर भी सेंचुरी मारी थी, मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था, ठीक है। रन रेट अगर 10 का हो आपको, आप रिस्क ले सकते हो, DPLC कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, और वही हुआ, ठीक है। तो कल 4th T20 है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान अगर उतना अच्छे से नहीं खेलती, आप देखो पूरा 20 ओवर खेल करके खाली 180 रन उन्होंने बनाया, 4 विकेट पे इतने बड़े बड़े प्लेयर रह गए थे, तो आप डाउट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि लोग को लगता है कि नहीं जीत पाएगी न्यूजीलैंड की 3rd ग्रेड की टीम है, 4th ग्रेड की टीम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको समझना होगा भाई, लास्ट ईयर भी उन्होंने टाई करा दिया था T20, तो ये मैच भी अच्छा बन सकता है। न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करेगी, पूरा 20 ओवर खेलते तो न्यूजीलैंड के साथ रह सकते हो। ये चेस करेंगे, अगर टारगेट देख लीजिएगा 10 का रन रेट है इनका, कहीं ना कहीं लास्ट के 10 ओवर में भी विकेट हाथ में, ये इनका काम हो जाएगा, क्योंकि इनके पास उतने बड़े हिटर हैं, ठीक है। हाँ, स्कॉटलैंड युगांडा, इसका तो पूरा ही प्रेडिक्शन मैंने कर दिया, फटाफट से कर देते हैं। स्कॉटलैंड इसमें श्रीलंका, ये मैच अच्छा हो सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा हो सकता है, पर फिर भी आयरलैंड ये भी मैच उतना अच्छा नहीं होगा, इसमें हमारी टीम जिम्बाब्वे रहेगी, तो ठीक है। तो अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डिटेल में। तो देख लेते हैं, RCB टेबल बॉटम है और SRH काफ़ी ऊपर है, ठीक है। LSG भी जीत गई, अभी यही 4 टीम चल रही है जो क्वालिफाई करनी चाहिए। नीचे से एक टीम हर साल ऊपर आती है, जैसा मैं बोलता हूँ, मेरे हिसाब से अभी भी मेरा थिंकिंग मुंबई पे ही है कि इनको नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। एक टीम नीचे से ऊपर जाती है, एक टीम ऊपर से नीचे जाती है, अब वो कौन होगी वो देखना पड़ेगा, मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दिया है। CSK हारी है, देखते हैं, बाकी मेरे हिसाब से इनका हारना ही मेरे को पसंद है, ठीक है। जैसे जब जडेजा आया था ना कैप्टनसी करने, उस टाइम भी चेन्नई की हालत खराब हो गई थी, तो कभी भी दो कैप्टन नहीं होने चाहिए। काफी लोगों का क्वेश्चन है, चलिए मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मेरी बीच में नोबड़ी से कभी बात होती है, ठीक है। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं किसी सोशल मीडिया में नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ हैंडल कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया, वीडियो बन कर सकते हैं, हमारी टीम हमने बता दी है, मैं कुछ हैंडल नहीं करता आज के टाइम पे। पहले के टाइम सब कुछ नोबड़ी देखता है, मेरे तरफ से कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस अपना ये वीडियो दे दूंगा, वो अपना अपलोड वगैरह करके सारा काम कर देगा, ठीक है। तो मैं क्योंकि भाई मैंने पहले भी बोला है, मेरे को इतना समय इसमें दे चुका हूँ कि मेरे को बाकी चीज़ों में समय देना, अपना बेस्ट देता हूँ। यूट्यूब का तो कहीं भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। IPL उतना अच्छा हो नहीं रहा, सबको पता है, ठीक है। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, IPL के मैचेस जो एकदम अनप्रेडिक्टेबल चेज उड़ा रहे, बाकी तो मैच हो ही नहीं रहे पूरा 30-40 दिन से, फिर भी मेरी यूट्यूब की एक भी टीम आप हो सकते हो अनसक्सेसफुल नहीं गई है। तो जैसे कुछ बंदों के क्वेश्चन के जवाब मैं अभी दे दूँ कि लास्ट में दे दूँ? चलिए अभी दे देता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ बताई दिया आपको, ठीक है। अब जैसे बंदों का है कि CSK के अगेंस्ट आप क्यों हो, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ट्रेंड पे रहता हूँ, ट्रेंड पे बिलीव करता हूँ। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे को लगा के बेसिस पे बनाता हूँ, ट्रेंड के बेसिस पे। मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरी स्टडी होती है, ठीक है। CSK का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो हर दूसरे साल ही फॉल्टर करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में अगर आप देखोगे तो, जब रविंद्र जडेजा कैप्टनसी करने आए थे उस टाइम पे धोनी भी कैप्टनसी कर रहे थे, तो इसके चक्कर में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ बाउंड्री पर खड़ा रहता है, MS धोनी ही कैप्टनसी करते हैं, ये सही नहीं है। कैप्टन कौन है उसको डिसीजन लेना चाहिए, अदरवाइज वो कभी जिंदगी में सीख नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो इतना लाइटली ये लोग ले लेते हैं कि मैच हार जाते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि आप नहीं समझोगे, ये चीज मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने चेन्नई को बोला है कि नहीं जाएगी, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, क्योंकि चेन्नई शुरू में सारा जीत रही थी, आखिरी के कुछ मैचेस से हारे हैं। मैंने साफ साफ बोला था रचिन रविंद्र कुछ नहीं कर पाएगा, टीम से लात मार के निकाल दिया गया। बहुत सारी चीजें जो मैंने बोली, बहुत सारी गलतियां हैं जो ये कर रहे हैं, और उसका भुगतान इनको करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो और कुछ बोलना नहीं है, और इसीलिए। और एक बंदे का जैसे था, मतलब नोबडी नहीं, मेरे को बताया कि कोई बंदा बोला था आप सिराज को क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उनका जो है ये सब जो प्रमोशन करने की वजह से वो डाउन हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैंने किसी एक प्लेयर को टारगेट नहीं किया। अगर आप सोचो तो सौरभ गांगुली पिछले 2 साल से ये चीज कर रहे हैं, पिछले 2 साल में उनको लात मार के BCCI के प्रेसिडेंट से निकाला गया, उनकी विराट कोहली से लड़ाई हुई, बहुत बदनामी हुई। पिछले 2-3 साल से दिल्ली के साथ है वो, और दिल्ली का क्या हाल है आप देख सकते हो। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली उनको दिल्ली से भी लात मार के निकाला जाएगा, ठीक है, उनके डगआउट से। वो जो चाहे कोचिंग कर रहे हो, चाहे मेंटरशिप कर रहे हो, बैठे रहते हैं, आप सोच लो उनका इज्जत कितना डाउन हुआ। अब आप देखोगे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, सब आपको कहीं नहीं दिखेंगे, कोई कोचिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, कोई इन सब लफड़े में पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आप उसका देख लो, ठीक है। इसके अलावा हार्दिक पंड्या देख लो, वो भी प्रमोशन के चक्कर में गए, पिछले 2 साल उनकी कितनी बेइज्जती हुई हर जगह। आप तो भाई इतनी बेइज्जती हो गई कि वो सोशल मीडिया नहीं खोल सकते। आप सोच लो एक ऐसा बंदा जो इतना एटीट्यूड था, इतना कॉन्फिडेंस में था, अब आप देख के बता सकते हो कि भैया ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? मतलब सब समय हंस रहे हैं पागल की तरह, डगआउट में दिखा रहा है तो हंस रहे हैं। भाई हंसना इतना नहीं चाहिए, ये आपका नेचर दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। सीधी सी बात भाई, प्रोफेशनल रहो, प्रोफेशनल तरीके से रहो, जैसे MS धोनी रहते हैं, ठीक है। तो आप उनको देखोगे तो हर समय पागल की तरह वो हंसते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं पागल की तरह, मतलब ऐसा बिहेवियर होता है उनका, समझ में आता पता नहीं क्या हो गया। तो ये 2 साल में उनके प्रमोशन की वजह से आप देख लो कहां चलेगा, और वर्ल्ड कप से भी बाहर होने के कगार पे है। आप रोहित शर्मा को उठा के देख लो, वो भी इन सब चक्करों में पड़े हैं। लास्ट के 2 साल में उन्होंने ना तो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया, जो कि हाथ से ज्यादा एक्सपेक्टेड था, इतनी स्ट्रॉन्ग इंडियन साइड के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारे इंग्लैंड से। टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाए IPL खेलने के चक्कर में, कोई प्लेयर चोटिल था, कोई कुछ था, कोई तैयारी नहीं थी, सीधा इन लोग चले गए इंग्लैंड और फाइनल खेल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। पैट कमिंस वगैरह सबने IPL से हटे थे ताकि वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल सके। वर्ल्ड कप फाइनल में लास्ट ईयर जो ODI हुआ उसमें भी वो चैंपियनशिप नहीं दिला सके, तो भाई ऐसा खेलने का फायदा क्या हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप जैसे कमिंस, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंस एंड आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा, भाई कमिंस चैंपियनशिप दिला रहे हैं, बाकी मैटर नहीं करता मेरे भाई। आप जब तक ये चीज समझोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। आपको यही चीज समझना है कि
मैटर क्या करता, मैटर ये करता कि आप देश की, जैसे एमएस धोनी को लोग इतना क्यों मानते हैं, आज से 10 साल बाद भी उनका नाम इसलिए होगा क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड कप जिताया, इंडिया में मैच हुआ, कई लोग बोल सकते थे भाई इंडिया में तो हुआ, उस टाइम तो इंडिया की टीम अच्छी थी, अभी भी और अच्छी है, बट इंडिया में अभी भी हुआ नहीं जीता पाए, तो धोनी को इसलिए लोग लाइक करते हैं और सारा जिंदगी करेंगे क्योंकि उन्होंने इंडिया को चैंपियनशिप दिलाई, वो मैटर करता है मेरे भाई, आपको यही चीज समझनी होगी, बहुत सारी चीजें, और इसीलिए मैं किसी एक प्लेयर को टारगेट नहीं कर रहा भाई, मेरा ये थिंकिंग जो है वो बता रहा हूँ, आप नेगेटिव सेंस में किसी को भी मत लो, देखिए हर इंसान की जो थिंकिंग होती है ना आपको उसको रिस्पेक्टफुली लेना चाहिए, अगर आप मेरे को कुछ बोलते हो तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली लूंगा कि चलो ठीक है, कोई बंदा लिख रहा है कि नहीं भाई एलएससी क्वालिफाई नहीं करेगी, कोई बंदा लिख रहा है सीएसके क्वालिफाई करेगी, ओके आपकी थिंकिंग है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो 6 मैच 7 मैच इनके जितने भी बचे हैं आप कर लो, उसमें कर लो, जैसे हर साल मैं बोलता हूं आपको लोग बोलने आते हैं आरसीबी जीतेगा तो आप लगा लो भाई, आरसीबी पे बोलने से नहीं होगा ना, आप लगा लो जिसलिए यहां पर हो वो काम कर लो, आप कंगाल ना होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, वही मैं आपको समझा रहा हूं, आप जो सोचते हो अगर वही सब चीज और होगा तो बहुत अच्छी बात है भैया, मैं पिछले 2-3 साल से प्रेडिक्शन कर रहा हूं इस चैनल पे, हार्डली आपको कोई एडवांस प्रेडिक्शन मेरी फेल मिलती होगी, ठीक है, आईपीएल का गुजरात बोला था 2 साल कंटिन्यूस फाइनल तक पहुंचे और ऑलमोस्ट जीते, तो जो बोल रहा हूं वो हो रहा है जब तक भैया ऊपर वाले का हाथ है, बट ये अगर कोई बंदा इस तरीके से बोलता नहीं भाई यही होगा तो आप लगा लो, कमेंट करने की जरूरत नहीं भाई, आपको लगाया मेरी तरफ से गड़बड़ है, आप अंधाधुन लगा लो अपनी टीम पे, पता चल जाएगा 6-7 मैच के बाद क्या हुआ, ठीक है, और अगर आपकी टीम क्वालिफाई करती है बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, चलिए भैया आपने जो सोचा वो हुआ, भैया SRS देना, KKR देना, राजस्थान देना, और जो मुंबई अभी हारती चली जा रही है वो देना, या LSG देना टॉप 5 की टीम, मजाक नहीं, अगर यही 5 टीम चली जाएगी तो आप मानोगे ना भैया, ये आज से मैं नहीं कर रहा उस टाइम से कर रहा हूं मैं, फिर भी बोल रहा हूं अगर वुमेन्स क्रिकेट को किसी की भी समझ हो ना किसी को भी, तो सेंट्रल हाइंस कभी फाइनल में पहुंच ही नहीं सकती इतनी खराब टीम लेके, तो वो सब प्रेडिक्शन मैंने किया हुआ एडवांस में, तो भाई कोई हल्का फुल्का आप मत समझिए पहली बार, और जो मैं ये सोचता हूं वो आपको बताता हूं अपनी थिंकिंग, और वो होता है, ठीक है, पूरा दुनिया इंडिया के साथ था वर्ल्ड कप फाइनल में, आपको मालूम है ना पूरा दुनिया, क्योंकि लोगों का क्या था कि अगर इंडिया को मैं दे भी दूंगा और इंडिया हार भी गया तो मैं बोल दूंगा देशभक्ति में हारा, मैंने पूरा साफ साफ बोला इंडिया नहीं जीतेगा, इसमें मेरे को क्या मिला, आप तो मेरे को 4 गालियां पड़ी, लोगों ने 10-10, 15-15 दिन तक लोगों ने मैसेज किया हर जगह कि भाई आप क्यों इंडिया के अगेंस्ट हो, इंडिया जीतेगा, फिर इंडिया जब जीत गया उसके बाद 15 दिन तक गालियां पड़ी कि भाई आप इंडिया के अगेंस्ट हो, इंडिया में नहीं हो, ये हो वो हो, मैंने फिर भी दिया, वरना मेरे को क्या भाई इंडिया जीतेगा, इस साल भी T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैंने एक वीडियो बना दिया भाई इंडिया जीतेगा, मैं तो भाई विन विन सिचुएशन में हो गया, इंडिया अगर जीतेगा तो मैं बोल दूंगा मैंने बोला था इंडिया जीता, अगर इंडिया हारेगा तो मैं बोल दूंगा मैं देशभक्ति में हारा, भैया और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को लगेगा भैया मैं तो इंडिया से, वो बात अलग है मेरे भाई, मैं यहाँ जो प्रेडिक्शन करता हूँ बेस्ड ऑन आपके, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, रोकड़ा लग रहा है, ठीक है, वही चीज़ के लिए मैं यहाँ पर हूँ कि आपको वो चीज़ समझा सकूँ, जो एडवांस प्रेडिक्शन होती है, तो ये चीज़ मेरी जो थिंकिंग है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ लोगों के अगेंस्ट बोलने में, अगर आप सोचोगे भाई बाकी भाई मैक्सिमम लोगों को देख लो जो ये सब वीडियो वगैरह ये सब बनाएंगे, विराट कोहली के साथ रहेंगे, रोहित शर्मा के साथ रहेंगे, बहुत सारे लोग बस विराट कोहली, मैं आपको फॉल्ट बताता हूँ कि कहाँ गलती है, विराट कोहली इज ए लेजेंड ऑफ द गेम, अगर वो कहीं ना कहीं पिच थोड़ी सी टफ है, अगर वो ऐसी पारी खेल रहे हैं 40 पे 60 इज मोर देन इनफ टू विन द गेम, बट अगर जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला था वर्ल्ड कप में, बट अगर इजी पिचेस पे जो सब जानते हैं इंडिया के पिचेस इतनी इजी है कि यहाँ पे 30 बॉल पे 60-70 रन वाली पारी की जरूरत है, तो वो 40 पे 60 वाली पारी मैटर नहीं करेगी, आप खुद देख लो ट्रेविस हेड अभी 2-3 नंबर पे है आपके उसमें टॉप रन गेटर में, विराट कोहली पहले पे है, तो आप सोच लो आरसीबी का क्या हाल है और SRS का क्या हाल है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के अगेंस्ट बोलने में, बट मैं जो बोलता हूँ वो सही चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको गलत लग रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है, तो ये बात है, इसलिए मैंने कुछ टीमों को हटाया और सब टीम जो मैंने प्रेडिक्ट किया कि नहीं जीतेगी उसके पीछे आपको भर भर के रीजन दिए हैं, तो बाकी देखा जाएगा 20 दिन में पता चल जाएगा, एलएसजी भी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई एलएसजी कुछ कर ही नहीं पाएगी, बहुत सारे कमेंट पड़े हुए होंगे, नोबडी ने बताया हर जगह बोल रहे भाई एलएसजी कुछ नहीं कर पाएगी, क्या 8 में 5 मैच इन्होंने जीत लिया, 1 मैच हारा बहुत मुश्किल से हारा, भैया मैं पहले से ही बता रहा हूँ ये सारी चीज आपको, ठीक है, मुंबई का सिर्फ एक ही गलती हो सकता है कि इतना ज्यादा हार्दिक पांड्या हेट ले लिए कि शायद वो नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी मुंबई कहीं ना कहीं एंड में सारा जीतती है, बाकी देखा जाएगा, ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी थिंकिंग बता दी, तो नेगेटिव में मत लीजिए कभी भी आप कि भाई इसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो, मेरे तो थोड़ी कोई मेरी कोई औकात भी नहीं है, अगर आप मेरे से पूछोगे मैं कौन हूँ इधर आगे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 2-3 हज़ार व्यूज जा रहे हैं, भैया वो लोग को आइकन्स है, बट मैं किसी को नेगेटिव वे में नहीं बोलता, मैंने गलती बताई कि ये गलती है उनकी, अब मेरे हिसाब से गलती है आपके हिसाब से गलती नहीं है, कोई बात नहीं आप पूजा करो आप आइकन बनाओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बट मैं जो बोलता हूँ मेरे तरफ से मैंने सही बोला, अगर आपकी तरफ से वो गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जो बोलता हूँ वो आप होते हुए हर साल देखते हो और आगे भी देखते रहोगे जब तक मैं यूट्यूब पर वीडियोज बनाऊंगा, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, तो चलिए ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा भाषण हो गया बीच में इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है, इसमें तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें भी ऐसा मैंने आपको बता दिया है, जस्ट एक वीडियो बनाया आप देख लीजिएगा, ये मैच अच्छा हो सकता है, ये वही उलटफेर कर सकती है, ये डिफेंड अच्छा कर सकते हैं, इनकी चेज भी डिफेंड अच्छा कर सकते हैं, चेज में नहीं चलिए ये वाले में मैंने बोला नहीं मैच अच्छा बन सकता है, बट आयरलैंड के साथ हो, ये पहले एक एक मैच हो जाने दीजिए, इसमें भी मैंने फुल प्रेडिक्शन आपको कर दिया, टॉप क्लास की टीम है स्कॉटलैंड के साथ हो, जिम्बाब्वे की टीम की बैटिंग काफी अच्छी है, बैटिंग में कुछ भी कर सकते हैं, हैदराबाद ये देख लेते हैं कौन कौन कितना बच गया, अच्छा ठीक है, तो डॉल्फिन्स में आप डॉल्फिन्स के साथ रहो, ठीक है, ये जा रहे हैं लास्ट के कुछ मैच, पर टीम अच्छी है, ठीक है, कंटिन्यूस विन करके आ रहे हैं, बट ये काफी प्लेयर अनबंड खिला रहे हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा, वो सब जो शुरू में मैच जिता रहे थे वो भी इसमें डाउन लग रहे हैं, आप इनके साथ रहो देखा जाएगा जो होगा, ठीक है, अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मैंने बता दिया ये सब मिडल ऑर्डर के क्रिकेटर आपको मैच विन करा के दे सकते हैं, आखिर में जितना रन रेट भी चाहिए बना देंगे, ठीक है, बॉलिंग लाइनअप आप पाकिस्तान को रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं हर साल आपको यही बोलता हूँ, पाकिस्तान अपनी बैटिंग से अपनी बॉलिंग से हरवाता है, कभी भी अपनी बैटिंग से नहीं हरवाता, हमेशा आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको लगेगा पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, अपनी बॉलिंग से हर मैच हरवाते हैं, इनके मेन बैट्समैन तो भैया इन दोनों को ओपन करना चाहिए, सबसे बेस्ट है, आप सैम आयुब को जबरी घुसा रहे हो वर्ल्ड कप के पहले, सेंस नहीं बन रहा मेरे हिसाब से, इन दोनों ने ना जाने कितने मैच जिताए, आप भाई आप मिडल ऑर्डर के प्लेयर लाओ यार, क्या टॉप ऑर्डर के प्लेयर ला रहे हो, क्या मर रहा है क्या, अभी 18-19 साल का लौंडा है, 4-5 साल के बाद जब ये रिटायरमेंट ले लेंगे तो वही टीम में आ जाएगा, जबरी का घुसाने का सेंस नहीं,
समझ आता मेरे को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम दे रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा ये टॉप ऑर्डर अपना खराब कर रहे हैं। अरे भैया वर्ल्ड के नंबर वन जितना मैचेस बाबर आजम और रिजवान ने जिताया ना उतना किसी ने नहीं जिताया होगा मेरे हिसाब से। मैंने देखा तो 200 रन ये सब आराम से चेस कर देते हैं 1900 ओवर में, कितने मैचेस में मैंने इनकी बैटिंग देखी है। और लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी फाइनल तक गए थे, वो तो भाई शाहीन शाह अफरीदी चोटिल हो गया ना, तो नहीं तो हो सकता इंग्लैंड को हरा देते। तो भाई आप क्यों चेंज कर रहे हो, ये पाकिस्तान में पता नहीं क्या होता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ठीक है चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठंडा रहना होगा। ठीक है तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो मैच आ ही रहे हैं, इससे वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है मैं फिर बोल रहा हूँ अकेले हुसैन को ले लो, 10 प्लेयर मैं गिनवा सकता हूँ, शिवम मावी कहाँ गए। ठीक है आप चाहते तो विद्वात कावेरप्पा को उधर से ट्रांसफर करा सकते थे, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो आप कर सकते थे, और भी 4 प्लेयर मैं गिनवा दूंगा, बट ये कि सेंस नहीं बनेगा। ठीक है ये फर्स्ट से ज्यादा इनकी बॉलिंग खराब है उसकी वजह से हार रहे हैं। ठीक है इनकी टीम में भैया पहली बॉल से मारपिटाई शुरू होगी तो आपको पता है, और वही होना है। ठीक है और कुछ बोला नहीं दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें शायद बोल दी हैं मेरी बात को, बस यही क्रिकेट यही यूट्यूब पर लेकर यूट्यूब पर खत्म कर लिया कीजिए। मैं अपनी सिर्फ थिंकिंग बताता हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है जो एडवांस प्रेडिक्शन होता है मेरा बेस्ड ऑन खाली टीम नहीं होता, कभी भी टीम होता तो भाई वो कब का वीडियो बनाने का सेंस नहीं बनता, मैं फेवरेट आपको चिपका देता। ठीक है मैं जो आपको एडवांस प्रेडिक्शन बताता हूँ उसके लिए मेरी बहुत स्टडी होती है, हो सकता है कल को एडवांस प्रेडिक्शन ही मैं वहाँ पर भी चिपकाना स्टार्ट कर दूँ, बट इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी मैं वहाँ पर जो दे रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ मैं एक इनिंग के बाद अपने ट्रिक के हिसाब से फर्स्ट बैट पकड़ता हूँ। ठीक है ये थिंकिंग रहती है, और यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ ये मेरी एडवांस प्रेडिक्शन रहती है। ठीक है तो चलिए सारी चीज़ आपको समझा दी है, अब आपकी मर्जी आप चाहे जो भी करो। ठीक है ये ठीक है आरसीबी का गेंस रहना है पूरे टूर्नामेंट में, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, धड़ाधड़ इसको वो कर देते हैं। ठीक है इसमें मैच अच्छा बन सकता है, पर फिर भी टीम लेना है तो भैया ये ले लो। ठीक है ये ले लो और ये ले लो। ठीक है तो चलिए दोस्तों बिल में चलो।